हेलो गाइस, आजकल पासपोर्ट बेहद जरूरी बन चुका है। इंडियन पासपोर्ट दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट की लिस्ट में शामिल है। साथ ही हम भारतीय बिना वीजा के 59 देशों में ट्रैवल भी कर सकते हैं। पर क्या आपको ये पता है कि भारत में 3 तरह के पासपोर्ट होते हैं? इनके बिना विदेश जाना नामुमकिन है। साथ ही तीनों का अलग अलग महत्व भी होता है। विदेश जाने के अलावा ये महत्वपूर्ण आईडी या एड्रेस प्रूफ के लिए भी काम आते हैं। भारत में रंगों के आधार पर मुख्य 3 प्रकार के पासपोर्ट होते हैं। नंबर 1 पर है नीला पासपोर्ट। नीले पासपोर्ट को रेगुलर और तत्काल पासपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है और इस तरह का पासपोर्ट साधारण लोगों के लिए बनाया जाता है। नीला रंग भारतीयों को रिप्रेजेंट करता है। ये पासपोर्ट आम नागरिकों को दिया जाता है। नंबर 2 है सफेद पासपोर्ट। सफेद पासपोर्ट ऑफिशियल होता है, यानी कि जिन लोगों को सरकारी काम से विदेश जाना होता है उन लोगों के लिए ये बनाया जाता है। सफेद पासपोर्ट हर किसी को नहीं मिलता, इसके लिए एक अलग से एप्लीकेशन देनी पड़ती है और आपको बताना पड़ता है कि आपको इसकी क्यों जरूरत है। सफेद पासपोर्ट वालों को थोड़ी ज्यादा सुविधाएं मिलती है। नंबर 3 पर है मरून पासपोर्ट। इसे डिप्लोमेट्रिक भी कहा जाता है, जो भारतीय डिप्लोमेट और सीनियर अधिकारियों के लिए होता है। ये पासपोर्ट सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जैसे आईएएस और आईपीएस रैंक वाले अधिकारियों को दिया जाता है। ये पासपोर्ट के लिए भी अलग से एप्लीकेशन देनी पड़ती है। इसमें आपको विदेश एम्बेसी से लेकर यात्रा खत्म होने तक की कई सारी सुविधाएं भी दी जाती है। साथ ही देशों में जाने के लिए वीजा की भी जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ अलग अलग रंग इसलिए होते हैं जिससे आसानी से लोगों की पहचान की जा सके। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।